कोरिया जाने का मन था, फिर मैंने फ्लाइट टिकट के पैसे देखे, फिर मैंने कहा छोड़ो यार क्या करना, तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं यहीं पे कोरियन फूड कर लेते हैं। सो टुडे वी आर गोना डू ईटिंग ओनली कोरियन फूड फॉर 24 आवर्स। ठीक है, अपना सूरज तो निकल चुका है बट हमारी आईज ही नहीं खुल रही है, ये वाली आईज नहीं, ये वाली आईज। चलो वो सब छोड़ो, सबसे पहले मतलब ब्रेकफास्ट में नो तामझाम रेसिपी करने वाले हैं हम, जिसका नाम है गिरिनबा। मेरे को नहीं पता, मेरे को तो लगता भी नहीं कि मैं प्रोनाउंस सही कर रही हूँ, बट उसके लिए हमें चाहिए कुक्ड राइस। अब अगर आपके पास कुक्ड राइस नहीं है तो आज मत बनाना, चावल बनाओ, फ्रिज में रखो, रात को अगर आपकी फैमिली में से कोई खाएगा नहीं तो आपको ये रेसिपी कल बनाने मिलेगी, ठीक है। और उसके अलावा वी नीड अ फ्यू इंग्रेडिएंट्स, वी नीड स्प्रिंग अनियन, वी नीड सेसमी सीड्स, वी नीड अंडा, थोड़ा सा बटर, एंड वी आर गोइंग टू हैव सम सोया सॉस। सो ब्रेकफास्ट शुरू करने से पहले इस वीडियो के शाउट आउट गोज टू वर्षा देशपांडे, दिग्वी निसार एंड कृतिका मुदालिया। तो आपको भी शाउट आउट चाहिए तो वीडियो लाइक कर दो एंड कमेंट डन जितनी बार भी कर सकते हो। आई लव यूजिंग सिजर्स टू कट स्टफ। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? ओके, नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक द अंडा विदाउट ब्रेकिंग। अरे टूट गया गाइस, दिस इज इंस्टाग्राम एंड दिस इज रियलिटी, नहीं बनते हैं अच्छे हाफ फ्राइड एग्स जितना भी कोशिश कर लो। I would not eat it again. I don't like the combination of egg with rice. But if I eat only spring onion, chawal or soya sauce, so it tastes achha aa raha hai. Actually, you know what? I'm gonna do one thing. Main chawal kha lungi and I'ma give the anda to my dog. ऐसा लगता है कि मी एंड कोको वर्क एज एन अमेजिंग टीम, क्योंकि इसने अंडा खा लिया और मैंने चावल ऑलमोस्ट खत्म कर लिया, थोड़े से है ना कोको, कोको इज वेरी हैप्पी अबाउट अंडा। ओके गाइस, तो लंच के लिए तो हम बाहर जा रहे हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट में इतनी सारी मेहनत करके मैं तो थक गई, बट यार ऐसा मतलब झल्ला बन के बाहर तो नहीं जा सकते, जैसे विटामिन सी, टर्मरिक और आलमंड ऑयल। सबसे पहले कंसीलर जिसमें ना 100% स्पॉट कवरेज है एंड प्रोवाइड्स 12 आवर्स ऑफ हाइड्रेशन। फिर फाउंडेशन इन द शेड ऑफ न्यूट ग्लो जो परफेक्ट ब्लेंडेबल कवरेज देता है। ऑल्सो डिड यू नो मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स आर मेड सेफ सर्टिफाइड, मतलब दे आर कम्प्लीटली सेफ टू यूज ऑन एन एवरीडे बेसिस। फॉलोड बाय कॉम्पैक्ट जो कम्प्लीटली टैल्क फ्री है, प्रोवाइड्स ऑयल कंट्रोल एंड 2x इंस्टेंट ग्लो। बाय द वे आई लव काजल एंड ये पूरे 11 आवर्स रहता है एंड स्मज एंड इवन वाटर प्रूफ। बाय द वे मामाअर्थ ने ना अपना लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च करा है कॉल्ड गुडनेस इनसाइडर, आप ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यू गेट फ्री शिपिंग, फ्री गिफ्ट्स ऑन एवरी ऑर्डर एंड एक्सक्लूसिव सेल्स एंड ऑफर्स। बाय द वे मैंने ना अब आई लाइनर लगाया जो 10 सेकेंड्स में ड्राई हो जाता है एंड इट स्टेज फॉर 10 आवर्स। इट्स वाटर प्रूफ एंड इट गिव्स लाइक अ ब्लैक मैट फिनिश। एंड लास्ट में आई एम वेयरिंग मामाअर्थ की मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक, इट स्टेज फॉर 12 आवर्स, इट्स स्मज प्रूफ एंड कम्प्लीटली नॉन ड्राइंग। Guys, I absolutely love this look. By the way, Mamaearth के products are available on Amazon, Flipkart, Nykaa, Purple and उनके official website और app भी, और आपका ना iOS और Android link description में है तो आप जाके download कर सकते हो। And if you use my coupon code SO2022, you get an additional 20% discount. Also, आप लोग को एक बात पता थी क्या, whenever you order from Mamaearth ना, they link your order to a tree that they plant and by 2025 they plan to plant 1 million trees, which is just crazy. Also, now I'm all ready to go out for lunch. Doraemon, Doraemon, anywhere door nikalo aur mujhe jaldi se ek Korean restaurant le jao na. Thank you.
यू। हाय गाइस, तो लंच के लिए वी आर हियर एट दिस रेस्टोरेंट कॉल हाई कम गांग। मुझे नहीं पता मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, बट होपफुली आई एम नॉट टू फार ऑफ द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन। और पता है जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करें ना, यहाँ पे जैसे स्टेयर्स थी और वहाँ पे इतने सारे स्टिकर्स लगे हुए थे। अब मतलब आई एम नॉट एन आर्मी, या मतलब मैं ज़्यादा कोरियन गाने सुनती नहीं हूँ, सो आई डोंट नो किसके किसके हैं, बट इफ़ यू कैन स्पॉट योर फेवरेट तो कॉमेंट करके बताना, ठीक है। ऑल्सो यहाँ का एम्बियंस इतना ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे एक तो बहुत क्यूट से कपल टाइप है कोरियन, बहुत क्यूट से, और यहाँ पे द चेयर्स आर ऑल्सो सो ब्यूटिफुल। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैं पुराने ज़माने में पहुँच गई हूँ और वहाँ के किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रही हूँ। इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल। और उसके बाद हम यहाँ पे आके बैठे और मतलब मैं मेन्यू घूरे जा रही थी। आई वॉज सो कन्फ्यूज कि मैं क्या ऑर्डर करूँ। एक तो मेरे को डिशेस के नाम बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे थे। वहाँ पे जो लोग बैठे ना, मैंने उनसे जाके पूछा कि आप लोगों ने क्या खाया, फिर मैंने थोड़ी बहुत सजेशंस लेके आई ऑर्डर थ्री थिंग्स। सो सबसे पहले हमने ये चिकन ऑर्डर करा है, अब इसका नाम मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता, सो सॉरी। उसके बाद हमने ऑर्डर करा है टोपोकी, सो दिस इज़ बेसिकली स्पाइसी और सॉफ्ट ऐसा राइस केक्स टाइप। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने ऑर्डर करा है जापचे, विच इज़ मतलब ग्लास नूडल्स टाइप होते हैं। और ना उससे पहले, हमारे खाने आने से पहले ना, द वेटर केम विथ सम स्टफ एंड आई वॉज लाइक अरे हमारा खाना बड़ा जल्दी आ गया। फिर पता चला कि वो खाना नहीं था, वो हमारी साइड डिशेज थी, जिसमें से देर वॉज दिस सोया सॉस के पोटेटोज, फिर देर इज स्प्राउट्स, फिर देर इज फ्राइड बैंगन, ओके, एंड देर इज सम किमची, एंड देर इज ऑल्सो क्यूकम्बर की किमची। सबसे पहले लेट्स गो विद द चिकन। अमेजिंग। आई एम गोना गेट ऑल ऑफ दिस पार्सल, जितना भी बचेगा वो घर जाके रुतुजा जानवी मैं और हरविंदर खाने वाले हैं, बिकॉज ओके नेक्स्ट वीक गोना ट्राई दिस टोपोकी। सो ओके बेसिकली देर इज राइस केक, उसके ऊपर ना थोड़े से नूडल्स टाइप भी हैं। नॉट बैड। ओके तो इसमें ना थोड़ा सा ब्लैक बीन का टेस्ट है, एंड आई डोंट लाइक ब्लैक बीन उतना ज़्यादा, बट थोड़ा सा है तो इट्स फाइन, बट आई लाइक दिस ओवर दिस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आर जापचे नूडल्स, एंड दीज लुक सो क्लियर, दे आर अमेजिंग। और पूरा मुंह में घुल गए, इतनी अच्छी तरह बने हैं ना ये। लंच का अच्छा यूटिलाइजेशन भी होगा क्योंकि इतना ज़्यादा खाना बच गया था।